हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टाफ यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के स्थापना सेशन में वेयर वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ रामसार साइट्स इन इंडिया फ्रेंड्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस टू स्थापना सेशंस जो हमारे प्रीवियस टू वीक्स के ट्यूजडेज को आप लोगों ने स्थापना वीडियोज देखी हैं वहाँ पर हमने इंडिया की जो रामसार साइट्स हैं उनका डिस्कशन आपके साथ किया है एंड इन दी प्रीवियस टू वीडियोज वी टॉक्ड अबाउट दी रामसार साइट्स इन दी नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल uh, उत्तराखंड पंजाब uh, उत्तर प्रदेश राजस्थान एंड uh, बिहार एंड वेस्ट बंगाल और आज के सेशन में हम अगेन इसी साइट्स के डिस्कशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम uh, इंडिया की कुछ और रामसार साइट्स जो कि सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है उनका डिस्कशन आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं सो लेट अस स्टार्ट विद दी टुडे स्थापना बट बिफोर गोइंग ऑन टू दी थ्योरी लेट अस टॉक अबाउट दी वेरियस कोर्सेस दैट आर बी लॉन्च बाई फॉर वेरियस एस्पिरेंट्स जो कि टू थाउजेंड यूपी

कोड यूज करते हैं यूपीएससी फिफ्टी राइट सो इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल एस्पिंसेंसिव कोर्स विच कैन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम बिफोर दी अपकमिंग यूपीएससी फिल्म टू आपको यह कोर्स सब्सक्राइब करना चाहिए और फिफ्टी कोड यूज करके 50 परसेंट फ्लैट डिस्काउंट आपको इस क्रैश कोर्स के ऊपर अवेलेबल होगा आपको टेस्ट सीरीज जो प्रिम्स 2021 के है उस पे भी ये कोड uh, जो है, वो एप्लीकेबल होगा और आपको 50 परसेंट फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है राइट सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस ऑफर एंड फॉर मोर डिटेल्स चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दैट इज गिवन बिलो और अब जो है हम आज की स्थापना के सेशन को स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट ऑफ गुजरात की गुजरात के स्टेट uh, के अंदर एक हमारा वेटलैंड uh, है जिसको हमने रामसर साइड्स के तौर पर डिजिनेट किया है दैट इज योर नाउन

एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन यहां पर रहती है और मॉनसूनल रेनफॉल जो है यहाँ पर वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होती है मॉनसून सीजन में थोड़ी बहुत यहाँ रेनफॉल होगी बट बाकी सारा जो साल है वो पूरी तरीके से ड्राई रहने वाला है और वाटर की बहुत कमी हो जाती है एंड टेम्परेचर काफी हाई रहते हैं विच लीड्स टू हायर इवेपोरेशन यानी इवेपोरेशन ज्यादा होती है और इसलिए सेलिनिटी का फ्लक्चुएशन नाल सरोवर में काफी ज्यादा रहता है अकॉर्डिंग टू सीजन हाफ ऑफ द ईयर दिस लेक इज़ अ नेचुरल फ्रेश वाटर लेक बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम दी मानसून रेंस बट बाकी जो आधा साल है ये जो वाटर है वो इवैपोरेट होता जाता है और सेलिनिटी लेवल्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं इस लेक के अंदर सो द लेक इट हैज़ अ वेरियंग काइंड ऑफ सेलिनिटी बट फिर भी हम इसको सेलाइन लेक नहीं कहेंगे क्योंकि कभी भी ये लेक बहुत ज़्यादा सोल्टी नहीं होती है ठीक है इसके बाद ये जो नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड बायोडावर्सिटी एरिया है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए विंटर में और स्प्रिंग में बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आकर नेस्ट करती हैं एंड इट इज वन ऑफ दर्जेस्ट इन इंडिया ठीक है लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया में से एक है आपकी नाल सरोवर क्लियर हो गया सो यह इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट है uh, गुजरात के सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बर्ड सेंचुरी uh, है वो लोकेटेड है क्लियर नेक्स्ट आप स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर भी एकमात्र वेटलैंड है राइट सो so, इस तरीके से मिलेंगे वो ज्यादातर ऐसे होंगे जहां पर आप एक आपकी रामसर साइट की लोकेशन आपसे टेस्ट की जाएगी कि आपको यह पता है कि किस स्टेट के अंदर इंडिया के किस रीजन के अंदर कौन सी रामसर साइट लोकेटेड है तो यह सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद करनी है कि कौन से स्टेट में कौन सी

इट इज इट कंसिस्ट ऑफ टू लेक्स आर लोकेटेड इन सिटी ऑफ भोपाल एंड इट इज अ मैन मेड लेक ठीक है भोज वेटलैंड है ये मैन मेड एक रिजर्वर है अपर लेक एक्ट अफ दी परसेंट ऑफ इट्स पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर व्हाइट स्टॉक्स ब्लैक नेट स्टॉक्स बार हेडेड गीस बिल्स एटसेट्रा दीज बर्ड्स आर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन दिस रीजन और भोपाल की सिटी की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको एनरिच करने में भी हमारे भोज वेटलैंड का बहुत बड़ा हाथ है क्लियर फर्स्ट वन इज लोनार लेक अदर इज यधमेश्वर विच इज लोकेटेड इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र राइट सो लोनार लेक इज क्रेटर लेक आज से बहुत सालों पहले प्लेस्टोसिन नेपोक के अंदर मीटियोर इंपैक्ट वॉज देर इन दी डेकन प्लेटू डेकन प्लेटू जो पूरा रीजन है महाराष्ट्र का इट इज कवर्ड विद दसोल्टिक रॉक यानी ब्लैक रॉक से कवर्ड ही रीजन है इसीलिए यहाँ पर ब्लैक सॉइल भी मिलती है आपको याद होगा और इसी रीजन के ऊपर एक मीटियोर इंपैक्ट हुआ था उससे क्रेटर की फॉर्मेशन हुई और उस क्रेटर में जो वॉटर uh, फिल हुआ है इतने सालों में दैट इज फॉर्मिंग दी लोनार लेक एंड इट इज अ नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट ये भी आपको ध्यान रखना है जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट के तौर पर इसको डिक्लेयर किया गया है saline soda lake hai, various kinds of salt uh, salts are found in this water located in the lonar in buldhana district of maharashtra लोनर इट इज़ वन ऑफ द फोर नोन हाइपर वेलोसिटी इंपैक्ट क्रेटर्स इन बेसोल्टिक रॉक एन ऑन दी अर्थ बेसोल्टिक रॉक के ऊपर अर्थ के ऊपर जो हाइपर वेलोसिटी इंपैक्ट्स मिले हैं यानी बहुत ज्यादा वेलोसिटी के ऊपर जो मीटियोर्स ने इम्पैक्ट किया है और क्रेटर फॉर्मेशन की है ऐसे क्रिएटर्स वर्ल्ड में बहुत कम है और उसमें से एक हमारे महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स क्योंकि इस लेक के अंदर न्यूट्री की जो मात्रा है वो अच्छी खासी है और देर इज अ हाई ग्रोथ ऑफ एल्गी विच एक्ट एज द फूड सोर्स फॉर वेरियस काइंड ऑफ फिशेज और ये

नेक्स्ट एपिसोड नंदुरधमेश्वर नंदर मध्येश्वर इज अक ऑफ लेक्स एंड फॉरेस्ट इन द दिस साइट सर्व्स एज अ बफर अगेंस्ट फ्लड वाटर्स एंड एज अ अडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आल्सो क्योंकि जो वेस्टर्न घाट्स के नॉर्दर्न रीजन का जो बायोडाइवर्सिटी है वो नंदुर मधमेश्वर में पाया जाता है हाई वेरायटी हाई डायवर्सिटी ऑफ बर्ड्स रेप्टाइल्स एम्फीबियंस फिशेज एटेट्रा देर फाउंड इन दी नंदुर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी इन दी नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट अप अप इज इज द स्टेट स्टेट ऑफ आंध्र आंध्र प्रदेश प्रदेश के अंदर भी एकमात्र वेटलैंड है दैट योर कोलेरू लेक कोलेरू लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन दीपेसो आपको ध्यान रखना है कोलेरू लेक कोस्ट के काफी करीब लोकेटेड है लेकिन ये कोई सलाइन वेटलैंड नहीं है कोई लगून नहीं है दिस इज अ फ्रेश वाटर लेक बी वेरी क्लियर अबाउट दिस इट इज लोकेटेड वेरी नियर टू दी कृष्णा गोदावरी डेल्टा इन द कृष्णा एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट द इट इज अचुरल यू ट्रॉफिक लेक सिचुएटेड बिटवीन द टू मेजर रिवर्स बेसिस्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा तो गोदावरी कृष्णा की जो दोनों डेल्टाज बनते हैं इन दोनों डेल्टाज के बीच में आपकी कोलेरू लेक है और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक uh, uh, है फॉर दी लाइवलीहड ऑफ पीपल हुआ रिजाइडिंग इन दिस पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एज वेल एज इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी बायोडावर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि ईस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न कोस्ट uh, की जो बायोडावर्सिटी है वो आपको कोलेरू लेक के आसपास बहुत अच्छी देखने को मिलती है फिर हम चलते हैं वेस्ट बंगाल की सीट की तरफ वेस्ट बंगाल में आपका एक रामसा डिजिग्नेटेड साइट है दैट इज और सुंदरबंस

बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी का रीजन uh, uh, है सुंदरबंश इसी के साथ वेस्ट बंगाल स्टेट में के अलावा एक और वेटलैंड है जिसको हमने लास्ट में डिस्कस किया था दैट योर ईस्ट कोलकाता ठीक है तो ईस्ट कोलकाता एंड योर सुंदरबंश दीज आर टू डेजिग्नेटेड रामसर साइट इन दी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल क्लियर नेक्स्ट अप अब हम आते हैं ओडिशा के स्टेट में ओडिशा के स्टेट में दो वेरी इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स आर लोकेटेड भीतरकानिका एंड चिली ठीक है चिलिका लेक के बारे में हम सभी को पता है चिलिका लेक इज अ ब्रैकिश वाटर लगून इट इज स्प्रेड ओवर द पूरी खुर्दा इन गंजम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा एंड इट इज द लार्जेस्ट लगून लोकेटेड इन इंडिया क्लियर इट इज द लार्जेस्ट कोस्टल लगून एंड द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन द वर्ल्ड एंड चिलिका लग, लेक डेजिग्नेटेड द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द कन्वेंशन तो चिलिका लेक के साथ इंपॉर्टेंट बात क्या है सबसे पहले तो ये इंडिया की पहली डेजिग्नेटेड रामसार साइट थी इंडिया में जो फर्स्ट वेटलैंड को हमने रामसार साइट्स के लिस्ट में इंक्लूड किया दैट वाज़ योर चिलिका लेक इसी के साथ लेक वाज़ आल्सो इंक्लूडेड इन दी लिस्ट ऑफ मॉन्ट्रू रिकॉर्ड क्योंकि चिलिका लेक के ऊपर काफी थ्रेट जो है वो लेवल्स जो थे वो हाई थे बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन एंड बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द लोकल कम्युनिटी विद द हेल्प ऑफ एनजीओ चिलिका लेक में बहुत अच्छा जो है वो रिहेबिलटेशन हुआ है रिकवरी हुआ है और अब चिलिका लेक को मॉन्ट्रो रिकॉर्ड से हटा दिया गया है मॉन्ट्रो रेकॉर्ड में सिर्फ दो वेटलैंड है इंडिया की जो करंटली इंक्लूडेड है जिसमें से एक है हमारी आ, केवला देव जो कि राजस्थान में लोकेटेड है और दूसरी जो वेटलैंड है उसकी अब अभी हम बात करने जा रहे हैं थोड़ी देर में फिर भितरकनिका मैंग्रोव्स की बात करते हैं भितरकनिका दे आर लोकेटेड नियर दी ब्राह्मणी एंड बैतरनी रिवर डेल्टास टे रीजन एंड इट इज फेमस फॉर सोल्ट वाटर क्रोडाइज एंड ऑल रिडली सी ट्स देखिए ओडिशा का जो कोस्ट है ओडिशा कोस्ट में महानदी रिवर बैतरनी रिवर सुबर्ण रेखा रिवर ब्राह्मणी रिवर ये जो हमारी रिवर्स हैं माइटी रिवर्स हैं इनमें काफी अच्छा वाटर फ्लो होता है स्पेशली इन सीजन और इन रिवर्स के डेल्टा इस पूरे ओडिशा कोस्ट में लाइन करते हैं और उड़ीसा कोस्ट जो है वहां पे बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है चिलिका के आसपास भितरकनिका के आसपास इसी के साथ ऑलिव रिडली सी टर्टल्स जो आकर अपनी मास नेस्टिंग करते हैं बीचेस के ऊपर दैट ऑल्सो हैपन्स नियर दी भितरकनिका मैंग्रोव जिसको हम बोलते हैं गहिर माथा बीच या ऋषिकुल्या रूकरी ऋषिकुल्या उस जगह का नाम है गहिर माथा उस प्रोटेक्टेड एरिया का नाम है तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस उड़ीसा के स्टेट में लोकेटेड है क्लियर है अब आते हैं हम इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जहां पर थ्री रामसर साइट्स आर लोकेटेड वन इन द स्टेट ऑफ आसाम दैट इज योर दीपोर बील गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है फॉर्मर चैनल ऑफ ब्रह्मपुत्रा के ऊपर ब्रह्मपुत्रा रिवर अक्सर अपना जो चैनल है वो थोड़ा बहुत हर जगह से चेंज करता रहता है बिकॉज ब्रह्मपुत्रा रिवर इज अ वेरी माइटी रिवर एंड इट फ्लोज इन अ वेरी नैरो वैली अमाउंट ऑफ मॉन्सूनल रेनफॉल तो फ्रीक्वेंट एनुअल फ्लडिंग होती है और ऐसे ही एक पेलियो चैनल पेलियो चैनल मीन एन ओल्डर चैनल ऑफ द ब्रह्मपुत्र इज नाउ नोन एज दीपोर बिल इट इज अ स्टेजिंग साइट फॉर द माइग्रेटरी फ्लाईवेज एंड समार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्वेटिक बर्ड इन असम कैन बी सीन राइट नेक्स्ट दीपोर बिल के बाद लोकटक लेक हमारे मणिपुर स्टेट की uh, प्राइड है लोकटक लेक मणिपुर स्टेट के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है लोकटक लेक एंड इट इज दी अदर वेटलैंड जो कि केवला देव के साथ मॉन्ट्रो रिकॉर्ड के अंदर लोकेटेड है बिकॉज ऑफ वेरी हाई पॉपुलेशन प्रेशर बिकॉज द रीजन इन विच दिसकटक लेक इज लोकेटेड वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के लिए लाइवलीहुड का सोर्सलॉपुलेशन uh, के लिए डाइट का सोर्स uh, हमारी लोकटक लेक ही है इसी के साथ जो फार्मिंग हो रही है इस रीजन में वहाँ से जो पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है वो भी लोकटक लेक को काफी नुकसान पहुंचा रहा है सो लोकटक लेक इज दर्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्टन रीजन ऑफ द कंट्री विच इज फेमस फॉर द फुमदीज फ्लोटिंग ओवर इट फुमदीज फुमदीज इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेजिटेशन अलॉन्ग विथ सेमी डीकम्पोस्ड ऑर्गेनिक मैटर जो कि फ्लोट करता रहता है लोकटक लेक के ऊपर आप ऑनलाइन जाके इन फुमदीज की वीडियोज भी देख सकते हैं एंड दैट इज वाई कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ज लोकेटेड ऑन दिस लेकोटक लेक के ऊपर मनीपुरी थामिन जिसको हम ब्राउ एंटलर्ड डियर भी बोल रहे हैं या सांगाई के नाम से भी इसको जाना जाता है इसको मणिपुरी थामिन के नाम से भी जाना जाता है राइट सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ डियर और एल्ड्स डियर के नाम से भी इसको जाना जाता है दिस इज दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ डियर विच फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दिस कीबुल नेशनल पार्क इज द ओनली प्लेस वेयर दिस पर्टिकुलर डियर इज फाउंड बिकॉज दिस दिस डियर इट ओनली सर्वाइव ऑन फोमडीज विच फ्लोट ऑन द लोकटक लेक राइट दिस इज इंक्लूडेड इन द मोटूर रिकॉर्ड अलॉन्ग विद केवला देव बर्ड सेंचुरी इन द राजस्थान नेक्स्ट इज योर त्रिपुरा स्टेट के अंदर आपकी सागर लेक सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट इन त्रिपुरा वहां पर आपकी लो लैंड सेडिमेंटेशन रिजर्वर फेड बाय द द थ्री स्ट्रीम्स डिस्चार्जिंग टू गोमती रिवर गोमती रिवर आपकी ट्रिब्यूटरी है मेघना रिवर की जो कि बांग्लादेश के अंदर फ्लो करती है और रुद्र सागर लेक हमारे त्रिपुरा के अंदर लोकेटेड हमारी एक वेटलैंड साइट है क्लियर है सो so ये सारी हमारी वेटलैंड साइट्स के बाद अब कुछ क्वेश्चंस को भी जो है हम लोग फटाफट आंसर कर लेते हैं देखिए और हमें पता लगेगा कि जो नॉलेज अभी तक हमने गेन की उस नॉलेज से कितना हमें फायदा हो रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए द टू स्टेटमेंट्स स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एंड गुजरात हैव ओनली वन डेजिग्नेटेड रामसर रामसर साइट साइट ईच मध्य प्रदेश में एक है भोज वेटलैंड कहा लोकेटेड है भोपाल के अंदर महाराष्ट्र में दो वेटलैंड साइट्स हैं ठीक है इसको ध्यान रखना है दो वेटलैंड साइट्स है महाराष्ट्र में कौन कौन सी वेटलैंड साइट्स है फर्स्ट वन इज योर लोनार लेक बुलना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र सेकेंड वन इज योर नंदुर मध्मेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट राइट सो टू वेटलैंड आर लोकेटेड महाराष्ट्र, गुजरात में आपकी एक ही वेटलैंड साइट लोकेटेड है दैट इज योर नाल सरोवर सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट मध्य प्रदेश, गुजरात है डज नॉट इट हैज टूट वेटलैंड साइट डेजिग्नेटेड एज रामसार साइट्स सेकेंड स्टेटमेंट सेस ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल हैव टू डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स इच नॉट स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज ओडिशा हैज कनिका एंड लेक टू रामसर साइट्स वेस्ट बंगाल हैज ईस्ट कोलकाता एंड सुंदरबंस टू डेजिग्नेटेड रामसर साइट आंसर बिकम्स ऑप्शन बी राइट सो दैट इज हाउ यू आंसर क्वेश्चन इन दी दिलिम्स एग्जाम वो किसी भी तरीके से फ्रेम किए गए हो सकते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन है द फॉलोइंग इन इंडिया इज ऑफ पेरनियल फ्रेश वाटर टाइप

थ्रू आउट ऑल द सीजन दैट इज यल फ्रेश वॉटर लेक जैसे यहाँ में एग्जाम्पल यहां देखिए ऑप्शन दिए गए सॉरी सोकार चिलिका लेक लेकरू लेक सांबर लेक ठीक है अब यहाँ अगर सांबर लेक की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें सांबर लेक क्या है ये इन लैंड सलाइन लेक है इर रेस्पेक्टिव ऑफ द इटिव ऑफ द सीजन सांबर लेक विल रिमेन सलाइन जो मॉनसून रेनफॉल भी होती है राजस्थान के अंदर वहां पे भी सांबर लेक में फ्रेश वाटर काफी आता है लेकिन फिर भी द सेलिनिटी लेवल्स इन द सांभर लेक रिमेन हाई ओके फिर हम बात करें सोकार की सोकार इज लोकेटेड इन लद्दाख सोकार कार इज कॉम्प्लेक्स वेर देर आर टू वेटलैंड लोकेटेड वेरी क्लोज टू इच अदर एंड वन ऑफ देम इज अ सीजनली फ्रेश वाटर लेक वन इज अपर सलाइन लेक और लद्दाख के रीजन में हम ये मान सकते हैं कि फ्रेश वॉटर लेक्स का होना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक एरिड रीजन है स्नो मेल्ट या ग्लेशियर मेल्ट से जो फ्रेश वाटर निकलेगा वो कुछ लेक्स में जाकर इकट्ठा जरूर होगा लेकिन फिर भी लेक्स हाई की हाई इवेपोरेशन की वजह से थोड़ा बहुत सैलिनिटी लेवल साल के कुछ हिस्से के लिए जरूर हाई हो जाएगा सो पेरेली फ्रेश वाटर लेक्स आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इन दी रीजन लाइक लद्दाख राइट सो सोकार इज नॉट आर आंसर चिलिका की अगर हम बात करते हैं तो चिलिका इज अगेन अ कोस्टल लगून और ये एक ब्रैकिश वाटर लगून है ब्रैकिश दैट इज स्लाइटली सलाइन नॉट फ्रेश वाटर लगून राइट सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लेक जो मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास लोकेटेड हमारी वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन दी पेनसुलर रीजन एंड दैट इज अर कोलेरू लेक

कनेक्टेड त्रिपुरा के सिपाही ज़ाला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है लोकटक लेक की अगर हम बात करते हैं तो मेघालय में, में लोकेटेड नहीं है विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर में लोकेटेड है आपका लोकटक लेक सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या बन जाता है करेक्ट आंसर भी ओनली वन एंड थ्री पेयर आर करेक्टली मैच राइट सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन uh, uh, के साथ हमारा ये जो स्थापना का सेशन है वो यहाँ कंक्लूड होता है और uh, अब हमारे इंडिया की सिर्फ सदन स्टेट्स के अंदर स्टेट्स ऑफ केरला कर्नाटका तमिलनाडु एंड तमिलनाडु इन स्टेट्स के अंदर जो हमारी वेटलैंड साइट्स हैं उनकी अब बात हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग कीप ऑन ग्रोइंग एंड जय हिंद